जब मैं 2012 में लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो मेरे कमरे के रोशनदान में एक घोंसला रखा हुआ था, तो मेरा मकान मालिक जस्ट आया और वो घोंसला हटाने लगा, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उससे कहा कि बाबा इस घोंसले को मत हटाइए आप, और आप चाहें तो हमारे किराए में 50 रुपये ऐड कर लीजिए। उनको भी नींद नहीं आई, मुझे भी रात में नींद नहीं आई, तो मैंने उसी रात में कविता लिखी कि मेरे कमरे के रोशनदान में वह रोज़ तिनके ला ला के रखती, मैं रोज़ उठा के उन्हें फेंक देता, वह रोज़ संघर्ष करती अपना घरौंदा बनाने की, मैं रोज़ उसका घरौंदा अपने हाथों से तोड़ देता। तो उस कविता से ना जाने मेरे जहन में ऐसा क्या हुआ, तो मैंने सोचा जब हम छोटी सी चिड़िया 15 सेंटीमीटर की चिड़िया को नहीं बचा सकते तो हमें गिद्ध की बात नहीं करनी चाहिए, हमें बाघ की बात, हमें शेर की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वापस आया, अपने दोस्तों से बात की कि ऐसा ऐसा करना है, दोस्त थे राजी हो गए, अपना अपना पॉकेट मनी करके हम लोगों ने कुछ पोस्टर बनवाए और हमारे शहर के बीच चौराहे घंटा घर पे एक एग्जीबिशन लगाई। लोगों का रिस्पांस थोड़ा नेगेटिव भी रहा, पॉजिटिव भी रहा, कुछ ने कहा ये आप क्या फालतू का पक्षी बचा रहे हैं। जब हमें नॉलेज हुई तो हमने देखा कि गौरैया का नाम है हाउस स्पैरो, यानी जो हमारे घरों में रहती है, आज से नहीं आदि काल से हमारे घरों में रह रही है, एक 15 सेंटीमीटर की छोटी सी चिड़िया होती है। तो हमने धीरे धीरे रिसर्च किया, एक डिज़ाइन कई संस्थाओं ने बनाई थी उसको अडॉप्ट किया और देखा कि इसका जो होल है वो 3 सेंटीमीटर डायाग्राम का होना चाहिए, जिससे इसमें सिर्फ गौरैया ही प्रवेश कर सके और जो भी अन्य शिकारी चिड़िया हैं वो उसके अंडे नहीं खा सकें। करीब सर हम 2013 से सतत इसको लगा रहे हैं, अगर वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने करीब 600-700 घोंसले बांट दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में 200-250 घोंसले ऐसे हैं जो वास्तव में जिनमें चिड़िया रह रही है। मैं सुबह से शाम तक कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लॉयर हूँ प्रोफेशन से, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहीं रहता हूँ। बीच में अगर समय मिलता है तो कहीं अगर जाना है या कोई पक्षी घायल हो गया, कोई हमें सूचना आई है, तो उसको हम लोग एडॉप्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं, और शाम के बाद जितना भी समय होता है तो उसमें अपना घर बनाने में या घर को प्रोवाइड करने में अपना लगाते हैं। तो जो हम लोग भविष्य के लिए अपना जो प्लान बनाया है कि इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाके जो पार्क हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में घरों को टांगा जाए और नई जो युवा पीढ़ी आ रही है बच्चों को प्रेरित किया जाए कि इनको आप संरक्षित कीजिए।